दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों कंपनी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एक अच्छी खबर यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, वीडियो में कवर करेंगे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी का मेरा पर्सनली व्यू क्या है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, वो मैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अपना व्यू शेयर करूंगा। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से जो स्टॉक है वो एक जगह पर रुका हुआ है। कंपनी का डीमर्जर हुआ था रिलायंस से। रिलायंस से जब डीमर्जर हुआ, एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी हमें देखने को मिला। 200 रुपये के लेवल से अगेन एक रिवर्सल देखने को मिला। एंड वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों डबल भी हुआ। 200 रुपये के लेवल से तकरीबन स्टॉक 319 एंड 400 रुपीज़ के लेवल्स के आसपास हमें जाते हुए नज़र आया। बट वहाँ से काफ़ी टाइम से स्टॉक गिरा हुआ है, रुका हुआ है। तो अब मेरा आगे के लिए क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक को लेके, मेरा पर्सनली मैं यहाँ पे इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टेड हूँ तो मैं क्या करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लास्ट 5 डेज से अगर देखा जाए तो स्टॉक एक जगह पर रुका हुआ है, गिरावट हो रही है। 1 मंथ की बात की जाए तो कंसोलिडेशन है। एंड 6 मंथ की बात की जाए तो ऊपर के लेवल से हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। 6 मंथ में अगर देखा जाए तो नॉर्मली कुछ भी हमें रिटर्न्स नज़र नहीं आए, बट जिन लोगों ने हायर पे बाई किया है वो उनको अभी भी हमें लॉस देखने को मिल रहा है। 1 ईयर में 52% तक के रिटर्न्स मिले हैं। एंड वही अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 52% तक के रिटर्न्स ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी को ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 ईयर अभी होने ही वाला है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड अभी के टाइम सबसे पहले नॉर्मल डेटा हम चेक कर लेते हैं। तो जियो फाइनेंशियल्स में अभी के टाइम अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी में जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर हुई आपकी 89 लाख क्वांटिटी। 294 करोड़ के वैल्यू के शेयर ट्रेड होते हैं। 54% क्वांटिटी डिलीवर होती है। सर्किट लिमिट अभी भी 20% की है और स्टॉक जो है किसी प्रकार से ASM लिस्ट में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बेटर चीज़ ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि गिरावट तो हो रही है बट गिरावट में वॉल्यूम्स बहुत कम है। गिरावट हो रही है बट बेचने वाले लोग कम है और जितने भी बेचने वाले लोग हैं उसमें से यहाँ पे 50% प्लस क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिल रही है। मेरा मानना यह है कि जियो फाइनेंशियल्स में अभी के टाइम ये जो स्टॉक है 400 रुपये के लेवल के आसपास अभी के टाइम था और ऊपर के लेवल से 25% 30% के आसपास गिर चुका है। तो यहां पर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज देखने को मिल रही है उसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों यहां पर न्यूज हमें यह नजर आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस गेट्स अप्रूवल टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 49% इक्विटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि FPI इन्वेस्टमेंट का जो FPI का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट जो है जियो फाइनेंशियल्स के लिए इंक्रीज हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो FPI फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स में 49% इक्विटी तक आ सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। कंपनी को यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। अब इसकी वजह से नॉर्मली हमें मंडे को एक मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, इससे एक FPI इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा खासा आते हुए नज़र आएगा। एंड फ्यूचर के लिए ये चीज़ें जो है वो हमें बेटर देखने को मिल रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो कोलैबोरेशन हमें होते हुए नज़र आ रहा है तो फ्यूचर व्यू के हिसाब से वो भी बेटर है। जैसे कि हमें ब्लैक रॉक कंपनी के साथ हमें जो है कोलैबोरेशन हमें होते हुए देखने को मिला। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं कि हर फील्ड में हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं चीज़ें आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा, बट ये जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है वो एक बेटर न्यूज़ है, जिससे यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है। 49% इंक्रीज हमें होते हुए देखने को मिली है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जियो फाइनेंशियल्स कंपनी का जो दोस्तों बिजनेस है वो हमें बेटर देखने को मिलता है। जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है सबसे पहले समझते हैं कि कौन से बिजनेस में ये जो कंपनी है वो वर्क करती है। कंपनी यहाँ पर जो है फाइनेंशियल्स बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करवाती है, कंज्यूमर फेसिंग सब्सिडरी, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड एंड पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड एंड जॉइंट वेंचर जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एंड फाइनेंशियल सर्विस एक्सेट्रा कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल तरीके से तो कंपनी का दोस्तों फाइनेंस का बिजनेस है, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह कैसे लोन प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे EMI वगैरह, तो वही जियो फाइनेंशियल्स का जो बिजनेस है जियो फाइनेंशियल्स भी क्या करता है लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाता है किसी भी प्रोडक्ट पे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जियो फाइनेंशियल दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी हमें जाते हुए नजर आ रहा है ब्लैक रॉक के साथ। अभी के टाइम सेबी की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है। जैसे ही सेबी की तरफ से अप्रूवल आएगा स्टॉक में धमाका होगा। एंड ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, मतलब ये बिजनेस मॉडल बेटर है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों अभी के टाइम जैसा कि आप सबको बताएं कि जो ब्रोकरेज है वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो जियो फाइनेंशियल जो है कि सभी ब्रोकरेज को टक्कर देने के लिए अपना जो ब्रोकिंग फर्म है वो भी हमें लॉन्च करते हुए नजर आ रहा है। मतलब आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकता है जीरो ब्रोकरिंग के साथ। तो ये चीजें हमें जो है 3-4 चीजें जिस बिजनेस में कंपनी वर्क कर रही है ये ओवरऑल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही
टॉप लेवल की बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो जियो पेमेंट बैंक भी हमें लॉन्च होते हुए नजर आया है, जो कि फोन पे वगैरह उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से जियो फाइनेंशियल जो है वो बेटर है। अब फ्यूचर मतलब कि एक दो दिन का फ्यूचर नहीं, ये सारी चीज़ों को सेटल होने में ऑलमोस्ट कंपनी को 3 से 4 साल लगेंगे। तो मेरा व्यू ये है कि अगर मेरा व्यू यहाँ पर 4 से 5 साल का व्यू है, अगर मैं जियो फाइनेंशियल को 4 से 5 साल होल्ड कर सकता हूँ, तो ऐसे में मेरा ये व्यू है कि आने वाले 4 से 5 साल में जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट मुझे 100% से लेके 300% तक के रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकती है। अब आप बोलेंगे इतना ही, देखिए मार्केट कैप कंपनी का ज़्यादा है तो उस हिसाब से इतना ही मिलेगा, लार्ज कैप कंपनी है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सेफ्टी, यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स में ये है कि ये गिरेगा तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि रिलायंस ग्रुप की सब्सिडी है, ओवरऑल यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा वहीं से। दूसरी बात यह है कि जियो फाइनेंशियल्स में मोमेंटम धीरे धीरे करके दिखेगा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी स्टॉक का प्राइस जंप करेगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी के टाइम ठीक है, कंपनी का बिजनेस अभी तक सेटल नहीं हुआ है, जब सेटल होगा तो सारा प्रॉफिट जो है कंपनी में हमें दिखेगा। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, पी रेशियो 131 का है, उसी के साथ साथ बुक वैल्यू बेटर है, 219 रुपये की बुक वैल्यू है, ROC ROE 1.5% की है। अभी तक कंपनी का बिजनेस दोस्तों सेटल नहीं हुआ, अपने सेगमेंट में ये जो कंपनी है वो तीसरे स्थान पे। अच्छी बात कंपनी के लिए क्या है कि कंपनी के ऊपर डेट जीरो है। बजाज फाइनेंस, इनको क्या होता है कि डेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, बट कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, तो ये बहुत ही बेटर चीज़ है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो सेल्स है वो एक जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि कंपनी का अभी के टाइम मेन जो बिजनेस है वो अभी सेटल हुआ ही नहीं है। मार्जिन कंपनी के बहुत ही तगड़े हैं, 90% कंपनी के मार्जिन है। रिलायंस से इनको डिविडेंड भी मिल जाता है। नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का यहाँ पे 300 करोड़ का बेटर देखने को मिल रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, पर जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा सेटल होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। बैलेंस शीट की बात की जाए, आप देखिए इनके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट चेक करेंगे तो बिल्कुल जीरो है, वही बजाज फाइनेंस का अगर आप इंटरेस्ट चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर डेट भी बहुत ज्यादा है। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, रिजर्व जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 1,14,000 करोड़ का था, 1,32,000 करोड़ का हो चुका है। डेट 743 करोड़ से जीरो हो चुका है। वही अगर आप एसेट्स देखेंगे तो 1,14,000 करोड़ से 1,44,000 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के पास 6% रिलायंस के शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स में देखिए यहाँ पर अभी के टाइम प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, बेटर है। FI वालों ने कुछ डिक्रीज किया है, DI वालों की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, बट मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं FI एंड DI वाले अगेन यहाँ पे एंट्री लेंगे। जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से, बिजनेस मॉडल के हिसाब से मुझे बेटर लग रही है आने वाले 4 से 5 साल के लिए। रही बात शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में देखिए हमें क्या चाहिए, कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेशन करता हो तो वो हमारे लिए मौका बनता है। जियो फाइनेंशियल में बेशक गिरावट तो हो रही है बट वॉल्यूम्स बहुत कम है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमें यहाँ पर दिख सकता है। अभी के टाइम स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया, हालांकि 318 रुपये के रेंज पर। मैं यहाँ पर जो लेवल्स है एक बार के लिए लेवल्स हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर चार्ट देखने को मिले। यहाँ पे हम दोस्तों ड्रॉ करेंगे फिबोनाची लेवल। फिबोनाची में कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे हमें पता चल जाएगा। फिबोनाची की बात की जाए तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया 0.5 के लिए। मेरे हिसाब से मतलब जियो फाइनेंशियल्स यहाँ पे मैक्सिमम गिरता है तो, कि मैक्सिमम ये स्टॉक कितना गिर सकता है यहाँ से, तो मेरा ये मानना है कि 300 का सबसे बड़ा सपोर्ट है, 300 का जो प्राइस है वहाँ पे एक्यूमुलेट करना, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। जियो फाइनेंशियल मान लो मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है तो 275 रुपये सबसे बड़ा सपोर्ट है, इससे नीचे जाना मुश्किल है। बट नॉर्मली छोटी सी एक सेलिंग आती है मार्केट में तो 300 रुपीज़ का सपोर्ट है। अगर मुझे ये स्टॉक 300 पे मिलता है तो एक अच्छी बात है, वरना यहाँ पर 322 के लेवल पे अभी ये स्टॉक सपोर्ट पे खड़ा है। जब तक स्टॉक 322 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 322 के नीचे जाता है तो 300 का सपोर्ट दिखा देगा। वही अपर साइड की अगर बात की जाए तो अभी के टाइम जो हायर हाई के पैटर्न्स कंपनी ने छोटा सा हायर हाई का क्रिएट किया है, वहाँ पर अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है 337। 337 के ऊपर निकलता है तो 350 के ऊपर भी जाएगा एंड उसी के साथ साथ 400 की तरफ भी चला जाएगा। ये यहां पर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। शॉर्ट टर्म में नॉर्मली इस न्यूज की वजह से थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है बट लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बेटर है। वही मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से मेरा यह मानना है कि जियो फाइनेंशियल का जो चार्ट है, स्ट्रक्चर है, वो तकरीबन इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। स्टॉक यहां पर थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके अगेन जैसे यहां पर मूवमेंट हुआ वैसा ही यहां पर देखने को मिल सकता है।